गाइस, अब मैं उठ चुका हूँ। सुबह के बजे हैं 8 और यहाँ पे जो टेम्परेचर है -11 है, अभी -11-12। तो मैं अभी आपको बाहर का नज़ारा देता हूँ। यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली में विंडोज जम गए हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इस पर कोहरा लगा है। और बाहर अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो नीचे लटके हुए हैं, ये एक्चुअली पानी जम गया है। एंड इसको बोलते हैं कश्मीरी में शिशरगंठ। मैंने आज ये लगभग 8 साल के बाद देखा, 8-10 साल के बाद शिशरगंठ, क्योंकि अभी नीचे ऐसे जमता नहीं है इतना ज़्यादा। ये देखिए गाइस, तो गाइस अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, अभी हम जाएंगे पहले नीचे। बिल्कुल यहाँ का रिसेप्शन सेट है, असल ऑटोस असल। ये है गाइस बाहर का व्यू, पूरा जम चुका है यहाँ पे। आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ना थोड़ा सा, ये देखिए। भाईजान बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये देखिए गाइस, यहाँ से एक तो जो कश्मीर है अपना ही खूबसूरत है, यानी कि पहलगाम जो है यहाँ पे अपनी ही खूबसूरती है, बट जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, तो नेक्स्ट लेवल हो जाता है ये। ओहो भाई जान, सर्दी कितनी है खतरनाक, पूछो मत। अभी हम पियेंगे चाय, यानी कि ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड उसके बाद भाई साहब ये देखिए हालत यहाँ की, वॉश बेसिन की हालत देखिए। यहाँ पे -11-14 ये चला जाता है। आज ज़्यादा ही कम हो गया होगा क्योंकि आसमान साफ था, ठीक है। भीताब वैली में अभी जो है -14-11, इतना टेम्परेचर डाउन। यह है कश्मीरी टी, ये हूँ मैं। तो गाइज हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, एंड अब हम रेडी होंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। तो गाइज अभी हम फटाफट से रेडी होते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं, करते हैं तैयारी निकलने की, देखते हैं पूरा सामान हमारा आ गया कि नहीं। तो गाइज अभी हम रेडी हो चुके हैं, अब निकलने की तैयारी है बेताब वैली से, एंड फर्दर का देखेंगे कि कहाँ जाएंगे, और लंच भी वहीं से होगा। एंड ये देखिए अभी का व्यू यहाँ से, गाइज ये है वो होटल जहाँ पे हम रुके थे, द परिस्तान रिजॉर्ट, बेताब वैली में है ये। इनका नंबर भी है यहाँ पे दिया हुआ, एंड यहाँ का व्यू देखिए अभी। तो ये सारी गाड़ियाँ जो है ना, ये अभी जा रही हैं बेताब वैली की तरफ, थोड़ा ही दूर है यहाँ से, तो हमें भी अभी वहीं जाना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कोहरा, लिटरली जो है सड़क जम चुकी है पूरी की पूरी, एंड मुझे भी संभल के चलना पड़ रहा है। मगर रात को तो चिंता चला, रात रिजवान चला बस। देखो भाई साहब, हमें कैसे निकलना पड़ रहा है यहाँ से। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा है अभी का व्यू यहाँ पे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ का व्यू कैसा लगा, क्योंकि मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का, बट सर्दी इतनी है यहाँ पे कि आधे घंटे में, एक घंटे में हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे देखिए नीचे कोहरा लगा है, बिल्कुल स्लिपरी है,
तो शुक्र है ऊपर वाले का कि अभी सूरज निकला हुआ है एंड यहाँ पे जो है जो जमी हुई बर्फ है वो पिघल रही है, तो अभी दिक्कत नहीं हो रही है चलने में, बट कल शाम को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हमें, बहुत ज़्यादा। भाई साहब यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ कैसे निकल रही है, यहाँ से धुआं ही धुआं निकल रहा है। मसला क्या हो गया इसको समझ नहीं आ रहा। ये डीजल गाड़ियों का हाल है यहाँ पे, इसलिए अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अच्छी रिफाइंड गाड़ी लाना जिसमें रिफाइंड इंजन हो और गाड़ी अच्छी हो मैकेनिकली फिट, तब यहाँ पे आइएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे -14 रात को चला जाता है, उस वजह से जो है सड़क बिल्कुल जम जाती है। एंड यहाँ पे आपको अगर आप ऐसे भी चल रहे हैं पैदल ही तो वैसे भी खतरा है और गाड़ी में तो है ही है। यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा टूरिस्ट लोग आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमें कल एक्चुअली होटल भी नहीं मिला था मार्केट में, तो उस वजह से हमें बेताब वैली में हार्डली होटल मिला, एक इधर उधर फ़ोन घुमा घुमा के फिर हमें एक जो है रूम मिल गया बेताब वैली में। यह है विंटर्स का हाल, समर्स में बताइए पहलगाम में लोग हैं जो है फिर वो टेंट लेके आते हैं, उसके बाद जो है ना वो फिर सड़क के किनारे या यहाँ से जो दरिया गुजरता है उसके किनारे अपना टेंट लगाते हैं। किसी को भी इजाज़त नहीं दिया नीचे जाने के लिए क्योंकि वहाँ पे कोहरा लगा है सड़क पे एंड खतरा बहुत ज़्यादा है। गाइज आपको मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी टिप्स दूंगा, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो थोड़ा सा आपके कपड़े जो है ना मतलब माइनस टेम्परेचर में काम करने चाहिए, वाटरप्रूफ कपड़े मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कहीं कहीं पे बर्फ पे चलना पड़ेगा। ये सड़क जो है ये अभी साफ है, इस पर बस गाड़ियाँ चलती है। हम क्या करते हैं अक्सर अगर हम यहाँ पे घूमने आते हैं तो हम इधर उधर जाते हैं, मतलब ऑफ रोड, सड़क पे नहीं ऑफ रोड हम चलते हैं, यानी कि यहाँ से चलेंगे हम ऐसे फ़ोटो खींचने के लिए। तो कपड़े ऐसे होने चाहिए और जूते आपके जो वाटरप्रूफ हो, आपका जैकेट वाटरप्रूफ होना चाहिए एंड कलरफुल कपड़े पहन के आइए आप यहाँ पे। उससे ये फ़ायदा है कि आप जो भी फोटोग्राफी करेंगे आपके फ़ोटो ना निखर के आएंगे बाहर, अगर आप डिम कपड़े लगाएंगे तो आपके फ़ोटो वैसे नहीं होंगे। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है मेरा दोस्त यहाँ पे, ये देखिए इन्होंने जो कपड़े पहने हैं ना, ये इनका जूता देखिए वाटरप्रूफ है, -40 में काम करता है, तो ये पहन के आइए आप यहाँ पे, तब जाके आपको मज़ा आएगा। बाई चांस अगर आपने नॉर्मल जूते पहने स्पोर्ट्स जूते पहन के आए उनमें पानी चला जाएगा एंड आपकी विजिट जो है ना वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। ये सारी टिप्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आने में आज बहुत दिक्कत होती है, आपको 2 घंटे लगते हैं मार्केट से यहाँ पे आने में, खासकर टूरिस्ट के लिए ये बात है। कपड़े अच्छे खासे पहन के आइए और जो है ना मतलब जूते आपके जो है उनमें आपको जो आप जैसे आप ऑफ रोड टायर लगाते हैं गाड़ियों में, वैसे ही जूते जो है ना उनका सोल वैसा ही होना चाहिए जिनकी पकड़ अच्छी हो स्नो पे, क्योंकि ये स्नो जो है ना ये नरम नहीं है, ये जम चुकी है, -14 है यहाँ पे और ये जम जाती है, तो इनमें जो है खतरा रहता है ज़्यादा गिरने का। अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ पे ना सारे फोटोग्राफ्स उठाते हैं, यहाँ से आपको सारा का सारा व्यू आता है बेताब वैली का। बेताब वैली का रास्ता नीचे से है, हम ऊपर की तरफ आए, यहाँ से चंदनवारी जाते हैं, गुफा जो है ना यहाँ पे शिवलिंग है, तो वहीं पे यहाँ से रास्ता वहीं पे जाता है। आज तो मुश्किल है वहाँ पे जाना, इसलिए हमने सोचा अब बेताब वैली का हम ऊपर से ही देखेंगे। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ व्यू कितना ज़बरदस्त आता है बेताब वैली का, अंदर जाना अभी रिस्की है। ये देखिए गाइस, ये देखिए यार माइंड ब्लोइंग है, ब्रेथ टेकिंग व्यू है यहाँ पे। ओह ये है बेताब वैली, ये है बेताब वैली एंड यहाँ पे जो है हमारे दोस्त फोटोग्राफी सेशन में लगे हुए हैं। तो गाइज बेताब वैली में हमने जो है अब कंक्लूड कर लिया, हम ऊपर चले गए ऊपर की तरफ जहाँ से चंदनवारी जाते हैं, बट बेताब वैली नहीं जा पाए बदकिस्मती से क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, स्लिपरी है रोड, तो खतरा है वहाँ पे हड्डियाँ टूटने का अगर गिर गए तो इसलिए हमने आपको बार बार से ही दिखाया। आई होप कि आपको बेताब वैली जो है बड़ी अच्छी लगी होगी। अब व्लॉग थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे नीचे क्योंकि अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ,
तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और फेसबुक पेज पे भी एंड यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे भी आप हमें जो है फॉलो करें, साथ ही इंस्टाग्राम वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि और इम्प्रूव करने की व्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। तो गाइज अभी मैं हूँ पहलगाम मेन मार्केट में, बेताब वैली से अभी हम आए हैं जस्ट, तो अभी हम करेंगे यहाँ पे लंच। अगर आपको वेज खाना है वो भी आपको मिलेगा, अगर आपको नॉन वेज खाना है आपको वो भी मिलेगा, अलग अलग वैरायटी जो है आपको यहाँ पे मिलती है। ऊपर से एक अच्छी चीज़ आज क्या होगी कि आज बादल भी नहीं है, सनी वेदर है, आप देख सकते हैं आसमान बिल्कुल खुला है, एंड अभी गर्मी भी अच्छी खासी लग रही है, अच्छा कॉम्बिनेशन है ठंड का और धूप का, तो मज़ा आ रहा है, मुझे भी थोड़ा सा पसीना आ रहा है अभी, तो बढ़िया है। अभी हम जाएंगे लंच करने, व्लॉग पे बने रहिए और लास्ट तक देखिए। तो चलिए गाइज, यहाँ पे टूरिस्ट इतने ज़्यादा हैं ना, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि समर्स में इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं जितने इस बार बर्फ़ देखने के लिए ख़ास तौर पे पहलगाम आए हैं। ऊपर से यहाँ पे वेब सीरीज़ की शूट भी चल रही है, बहुत सारे टीम जो है बाहर से आए हैं। आज यहाँ पे कल जैसा रश ही नहीं है, अच्छी बात है, हम खुल के बैठेंगे यहाँ पे। तो गाइज अभी हम दाना पानी आए हैं लंच करने, पहले हाथ धोएंगे एंड उसके बाद जो है खाना ऑर्डर करेंगे। पानी बिल्कुल ठंडा है यहाँ पे, बहुत चलते हैं अभी टेबल पे। ये यहाँ का मेन्यू। तो गाइस ये आ गया हमारा खाना, ये है शाही पनीर, देखो ये है राजमा, ये जो है ना मक्खन डाली गई है ऊपर से, एंड यहाँ पे चपाती आ गए हैं देखिए, और गाइज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना हो गया, एंड अब तैयारी करेंगे निकलने की, और आगे जाके हम व्लॉग जो है कंक्लूड करेंगे। आई होप कि आपने एंजॉय ही किया होगा ये। तो गाइज हमारा खाना हो चुका है एंड अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, बढ़िया खाना था दाना पानी में, और अभी देखिए मौसम कितना ज़बरदस्त है। डू विजिट पे फिर से बोल रहा हूँ, डू विजिट पहलगाम, बाकी ज़्यादा आप ऊपर आप नहीं जा सकते, रीज़न बीइंग की कोहरा लगा है, ठीक है क्या, बाकी आगे चलते हैं। तो गाइज अब हम पहलगाम से निकल चुके हैं, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई होप, मैं ये भी होप रखता हूँ कि आप मेरी चैनल को अब सब्सक्राइब भी करेंगे एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, एंड फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करेंगे, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।